लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में लॉकडाउन है, लॉकडाउन को लेकर देश में दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय ने दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इस बात के संकेत एवन टीवी ने पहले दे दिए थे। देश में लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, देश में दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तीसरा चरण यानी कि शुरू होगा। गृह मंत्रालय ने दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। 17 मई तक अब देश भर में लॉकडाउन लागू रहेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी फोनलाइन पर हैं। जी सर, क्या कुछ अपडेट है? लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तीसरी बार ये लॉकडाउन बढ़ रहा है। आशीष, जिस तरह की लगातार संकेत दे रहे थे, केंद्र सरकार की ओर से लगातार संकेत आ रहे थे, और जिस तरह से जोन वाइज बांटा गया था, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, और लगातार जो दूसरे प्रदेश थे वहां की सरकारें भी इस तरह की मांग कर रही थी कि अभी कोरोना का कहर थमा नहीं है, लगातार पूरे देश में सभी राज्यों में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से मरीज बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए लगातार इस बात की संभावना साफ लग रही थी कि कहीं ना कहीं जो है ये लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। और बहुत सारे राज्यों ने तो इसकी मांग भी की थी, कई राज्यों ने खुद ही लॉकडाउन कर दिया था कि हमारे राज्य में लॉकडाउन रहेगा। तो ऐसे में जो गृह मंत्रालय है उसने दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है और दो सप्ताह तक पूरे देश में लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि इस बीच श्रमिकों को लाने के लिए जो ट्रेन, विशेष ट्रेन चलाई जाएगी, वो विशेष परिस्थितियां होगी। इसके साथ ही जहां पर ढील दी जानी है उनमें जोन स्तर पर यानी रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन जो बनाए गए हैं, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा होगी, जहां पर पहले से कर्फ्यू होगा, उन इलाकों में वैसे ही पूरी तरह से सब कुछ बंद रहेगा। लेकिन ये जो देश में लॉकडाउन है ये पूरे देश के लिए लॉकडाउन है, इस दौरान सब कुछ बंद रहेगा। विशेष परिस्थितियों को देखते हुए राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, राज्य अपने स्तर पर फैसला ले सकेंगे। ग्रीन जोन में कुछ लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन जो रेड जोन बनाए गए हैं जहां कोरोना के सर्वाधिक मरीज है, उन लोगों को, वहां के लोगों को अभी भी जो है लॉकडाउन में ही रहना पड़ेगा। आशीष जी, बिल्कुल, दो बार जब लॉकडाउन बढ़ाया गया था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब हुए थे जनता से और उन्होंने ऐलान किया था, और अब तीसरा फेज है जिसको गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर इस लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया है। देखिए, लगभग दिन भर जो मीटिंग चली और जिस तरह सुझाव जो आए, सबसे बड़ी बात है केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों के सुझावों पर गौर किया, और जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे समय में जो अब तक मेहनत की गई है, भारत सरकार ने पूरे प्रयास किए राज्यों के साथ मिलकर, और राज्यों ने पूरे प्रयास किए भारत सरकार के निर्देशों की पालना करके, जनता ने जो है प्रधानमंत्री के निर्देशों की पालना की, राज्य सरकार के निर्देशों की पालना की, और ऐसी स्थिति में यदि लॉकडाउन हटाया जाता तो भारी अव्यवस्था हो सकती थी, और जो मेहनत की है पूरे देश की जनता ने, सरकार ने, उस मेहनत पर पानी फिर सकता था। ऐसे में बहुत सारे राज्यों की डिमांड थी उन मांग को देखते हुए, और जो इस बीमारी की जो स्वरूप है, इस महामारी का स्वरूप है उसको देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि लॉकडाउन खोला जाता तो यातायात और कई व्यवस्थाएं खोलनी पड़ती, मार्केट खोलने पड़ते, स्कूल कॉलेजेस खोलने पड़ते, तो उसको लेकर ये जो संख्या बढ़ सकती थी, महामारी की पीड़ितों की संख्या बढ़ सकती थी, मरीजों की संख्या बढ़ सकती थी, उससे अव्यवस्था और फैलने का डर था। नीरज जी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से ट्रेन चालू की गई, प्रवासी मजदूरों को लाने की कवायद शुरू की गई, तो इससे कहीं ना कहीं संकेत ये मिल रहे थे कि लॉकडाउन की अवधि जरूर बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाता तो ऐसी व्यवस्थाएं करने की सरकार को जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में अगर विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं तो उससे भी एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि जरूर ये लॉकडाउन की अवधि है, इसको बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं जो दिन में निर्देश आए थे तो उससे भी लग रहा था कि वाकई में सरकार अभी लॉकडाउन खोलने के मूड में नहीं नजर आ रही है। और जिस तरह की मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि जो राज्य सरकारों का फीडबैक गया, लगातार जो पीएम मोदी ने फीडबैक लिया, उस फीडबैक में भी यही आया था कि अभी लॉकडाउन खोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके जो कोरोना के पेशेंट्स है वो लगातार बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में यदि केंद्र सरकार लॉकडाउन खोलती तो कहीं ना कहीं परेशानी और बढ़ सकती थी। तो राज्यों की डिमांड थी, ऐसी आवश्यकता भी थी, क्योंकि जो मेहनत की है इस कोरोना को रोकने के लिए, जो चेन तोड़ने के लिए मेहनत की गई है, उस मेहनत पर पानी फिर जाता यदि लॉकडाउन खोल दिया जाता। इसीलिए दिन में जो केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करी रेल मंत्रालय की ओर से, जिसमें प्रवासी श्रमिकों के साथ साथ स्टूडेंट्स, पर्यटक
और अन्य जो व्यवसायी है उनको लाने का काम होगा, वो भी फेज वाइज होगा। उसके लिए भी अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, वहाँ भी मास्क लगाना और तमाम चीजों की पालना करनी होगी। उसके लिए नोडल अफसर बनाए हैं, तो तमाम चीजें इसलिए बनाए गए ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। बिल्कुल, तो ये लॉकडाउन बढ़ाना भी जनता के हित में है, देश के हित में है। हालांकि हो सकता है इससे थोड़ी परेशानी और होगी और सरकार को जो गरीब है, मजदूर है, उनके लिए थोड़ी और व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, लेकिन अभी माना जा सकता है कि जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए ही बढ़ाया गया है। आशीष, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी, जिन्होंने अपडेट दी कि कोरोना काल में लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है। अब 17 मई तक देश भर में लॉकडाउन लागू रहेगा, लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ऐलान कर दिया है, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाकर अब 17 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है देश भर में। कोरोना के ग्राफ को लगातार बढ़ता हुआ देखकर